नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल मिल्क की बात ज़्यादा होती है। मिल्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसा मिल्क लेना चाहिए, तो इसके लिए कोई गाय का हिमायती है। मैं तो प्राणी मिल्क नहीं लेना चाहिए ये बात का हिमायती हूँ। मिल्क कैसा लेना चाहिए, जो मिल्क में A2 प्रोटीन है वो मिल्क लेना चाहिए, क्यों कि हमारी बॉडी में A2 एमिनो एसिड है और वो A2 प्रोटीन को पचाता है। तो A2 प्रोटीन देने वाला नेचर से मिलने वाला मिल्क कौन सा है, तो मैंने जो मिल्क मैं अब अक्सर लेता हूँ वो मिल्क है नट मिल्क, और वो मेरे हाथों से बनाया हुआ है। समझो मेरा वेट 60 kg है और मुझे ये मिल्क लेना है, तो मैं क्या करूँ। मुझे समझो 3 बजे मिल्क लेना है, तो सुबह 9 बजे मैं मेरे वजन के मुताबिक 5 से 7 नंग ये बादाम जो है वो भिगो दूँ। 3 बजे वो पानी से निकाल के उसका छिलका उतार दूँ और वो सफ़ेद बादाम मिक्सर में डाल दूँ। उसके बाद 1 गिलास पानी लो वो भी मिक्सर में डालो। उसके बाद 1 मीडियम साइज का बनाना लो और दोनों साइड से आधा आधा हिस्सा उसका काट के फेंक दो, क्योंकि दोनों साइड में आधा आधा जो हिस्सा है वहाँ तक कफा का भाग है, बीच वाला जो बनाना है वो मैंने ये मिक्सर में डाला। उसके बाद 1 से 2 स्पून ग्रेटेड कोकोनट, यानी हम गुजराती में बोले तो टोपरा का छीन, वो ले और उसमें डाले, मिक्सर चला ले, ये हमारा नट मिल्क तैयार हो गया। अगर उसमें थोड़ा हमको मीठापन चाहिए तो खजूर भी हम डाल सकते हैं। 1 पेशी जितना खजूर हम उसको भी 6 घंटे पहले भिगोना पड़ेगा, उसको हम तब डाल देवे तो थोड़ा उसमें स्वाद मीठा आएगा। हर दिन मेरा ख्याल ये है कि वही मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि उसमें A2 प्रोटीन है और एकदम पाच्य प्रोटीन है और हमारी याददाश्त भी बढ़ाता है। मैं तो बोलता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उसको डेयरी मिल्क आप कभी ना दो, क्योंकि डेयरी मिल्क में अक्सर ऐसा होता है ना कि उसमें A1 और A2 मिक्स मिल्क दोनों मिक्स होते हैं, तो A2 और A1 प्रोटीन वाला जो मिक्स मिल्क है वो हमारी बॉडी में रासायनिक प्रक्रिया करेगा ही, क्योंकि हमारी बॉडी में A2 एमिनो एसिड है। तो उसमें ऐसा होता है कि ये मिल्क लेने से हमारी धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है, तो जो बच्चा छोटा है उसको याददाश्त उसकी बढ़ानी है तो क्या करे, तो नट मिल्क पाते रहे, धीरे धीरे बनके उसका स्वाद भी उसको आने लगेगा और उसकी हेल्थ भी बने रहेगी। दोस्तों सेहत के लिए बना ये मेरा वीडियो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।